हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा कुजीन। आज मैं लाई हूँ आलू और सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्जी। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और बनाने में उतना ही आसान है। मैंने इसे जो घर में इजीली अवेलेबल मसाले होते हैं उन्हीं के साथ बनाया है। देखिए इस ग्रेवी की टेक्सचर कितनी अच्छी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी आलू और सोयाबीन की सब्जी। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सोया चंक्स। तो चलिए हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं सोया चंक्स को भिगाने से। आप एक बर्तन में पानी ले और इस तरह से सोया चंक्स उसमें रख दे। अब हम इसमें रखेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि जो नमक है वो पूरे पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारे सोयाबीन में भी नमकीन हल्का सा टेस्ट आ जाए। और मसालों में हमने लिया है प्याज, अदरक और लहसुन, जो आसानी से हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपको लहसुन और अदरक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा रखनी है, क्योंकि सोयाबीन की सब्जी में अदरक और लहसुन की क्वांटिटी अगर ज्यादा रहेगी तो उससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। अब एक मिक्सर जार लें, उसमें प्याज रखें। प्याज को हमने इस तरह से रख ली, लंबा चॉप करके रेडी कर लिया है। फिर रखेंगे लहसुन और अदरक और थोड़ा सा पानी रख के इसका बारीक पेस्ट रेडी कर लें। हमने मिक्सर में पेस्ट रेडी कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बना है। सोयाबीन तो ले लिया, अब आलू भी तो लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू को छील कर मीडियम साइज में कट कर, जब तक हम मसाले रेडी कर रहे थे हमारे सोयाबीन अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब इसे इस तरह से निचोड़ कर एक दूसरे बर्तन में रख दें। इस तरह से सारे सोयाबीन को इसी तरह से निचोड़ कर अलग बर्तन में रखें। एक पैन लें, उसमें 3 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। अच्छे से तेल गर्म हो गया है तो चलिए अब हम इसमें आलू रखते हैं। आलू को मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए तब तक पकाना है जब तक इसमें हल्का सा रेड कलर का कोटिंग आ जाए। देखिए हमारे आलू हल्के से लाल लग रहे हैं, यानी हमारे आलू परफेक्टली पक गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे। आलू निकालने के बाद जो तेल बचा है उसी तेल में हम सोया चंक्स को रखें और इसे भी मीडियम फ्लेम पर हल्का लाल होने तक अच्छी तरह से भून लें। देखिए सोयाबीन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे। सोयाबीन फ्राई करने के बाद जो तेल बचा है इसी तेल में अब हम रखेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसे अच्छी तरह से भून लें। जीरा अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें रखेंगे तेज पत्ता और 2 कश्मीरी लाल मिर्च। हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए लिया है, इससे कलर काफी अच्छा आता है। आप चाहे तो दूसरी तीखे वाली मिर्च भी ले सकते हो। तेज पत्ता और जो मिर्च है उसकी खुशबू तेल में आ गई है। अब हम इसमें रखेंगे प्याज का पेस्ट जो हमने मिक्सर में पीस कर रेडी कर लिया था। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार तब तक पकाएं जब तक प्याज का पानी पूरी तरह से सूख जाए और ये जो मसाला है वो एकदम गाढ़ा हो जाए। जब तक प्याज का मसाला भूनकर रेडी होता है तो चलिए ये जो टमाटर है, ये 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इसे मिक्सर में रखें और बारीक पेस्ट कर लें। टमाटर
टमाटर को पीस कर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब प्याज के मसाले की तरफ चलते हैं। इस मसाले को लगातार हिलाते हुए आपको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, जिससे ये जल्दी पक जाएगा, नहीं तो स्लो फ्लेम पर काफी समय लेगा। प्याज में ज्यादा पानी होता है और वो सूखने में काफी वक्त लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार हिलाते हुए पानी सुखाया है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है हमारा ये प्याज का मसाला और काफी अच्छी तरह से भुन रहा है। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि साइड साइड से तेल भी निकलने लगा है, यानी हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें रखेंगे टमाटर की प्यूरी। इस सब्जी में प्याज से ज्यादा टमाटर की क्वांटिटी होनी चाहिए, जिससे आपकी जो ग्रेवी है वो काफी अच्छी लगती है। इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर 2 मिनट तक पकाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए टमाटर का जो पानी है वो लगभग सूख गया है। अब हम इसे बिना ढके 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हिलाते हुए पकाएंगे। टमाटर का पानी सूख गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले हमने रखा है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 2 छोटा चम्मच नमक। सोया चंक्स को भिगाते समय भी हमने नमक रखा था, तो उसी हिसाब से नमक यहाँ पर रखें। मसाले में हम सबसे पहले रखेंगे 1/2 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी में कलर काफी अच्छा आता है और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, फिर 1 छोटा चम्मच तीखा मिर्च पाउडर। हमने जो अदरक लहसुन रखा था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो ऑलरेडी ही अदरक और लहसुन हल्का सा तीखापन लेके आते हैं, तो इसलिए हमने जो लाल मिर्च पाउडर रखा है वो ज़्यादा नहीं रखा है। तो आप जब कभी भी ये सब्जी बनाओगे तो लाल मिर्च पाउडर रखने से पहले एक बार मसाला को टेस्ट कर लें और उसी हिसाब से, ताकि आप जो लाल मिर्च पाउडर है वो कम या ज़्यादा कर सको। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 गिलास पानी। अब इसे ढकें और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लें। तो चलिए ढक्कन निकाल के चेक करते हैं। वाओ, काफी अच्छी तरह से मसाला पक गया है। अब हम इसमें रखेंगे आलू, जिसे हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। आलू जब आप फ्राई करते हो तो उसका जो टेस्ट है वो काफी अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा कच्चे आलू को फ्राई कर ही रखें। और इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ सोयाबीन और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो चलिए अब ढक्कन निकाल के चेक करते हैं। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए काफी थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से, जितना थिक आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप रखें।
पानी रखने के बाद हम इसे ढककर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे ढककर पकाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आपके सोया चंक्स है उसके अंदर सारे मसाले के फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए और वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगे। तो चलिए अब हम इसे ढक्कन निकाल के चेक करते हैं। वाओ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और जो सोया चंक्स है वो कितने अच्छी तरह से पक रहे हैं। अब ये जो हमारी ग्रेवी है वो हल्की सी पतली लग रही है, इसे हम और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकाएंगे। देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो हल्की सी गाढ़ी लग रही है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये रेसिपी गर्मा गर्म फुलके, चपाती या राइस के साथ खाने के लिए रेडी है। हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और रेसिपीज के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं।